welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 1 by Brain Root Series, and this is a book, Literary Journeys. Today we are going to start chapter number 10 and the name is Rani's First Day at School. Rani ka pehla din kaisa tha school pe? Let's see. So let's start with the warming up. Every student is excited for the first day at school. जितने भी बच्चे हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, excited हो जाते हैं, happy feel करते हैं जब उन्हें पहली दिन school जाना होता है. It is so special event in his or her life. वो सबसे ज़्यादा special day होता है उनकी life का. Let's read this story about a girl who goes to school for the first time. तो चलिए ये story पढ़ते हैं. एक लड़की की story है जो पहली बार स्कूल गई. So let's start the story. It is my first day at school. आज मेरा पहला दिन है स्कूल का. My mother is holding my hands. मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है. And walking with me, और मेरे साथ चल रही हैं. I am grown up now. I say let go, let go. तो अब जय रानी ने क्या बोला, अपने मम्मी से बोला कि मैं जो है अब बड़ी हो चुकी हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे खुद से जाने दो. सो मदर होल्ड माई हैंड वेरी टाइट, और इतना बोलते ही मम्मी ने मेरे हाथ को और जोर से पकड़ लिया. देर आर मैनी चिल्ड्रेन नियर द स्कूल, स्कूल के आसपास बहुत सारे बच्चे हैं. दे कम बाई बस, दे कम बाई कार. कुछ बच्चे जो है बस से आते हैं, कुछ बच्चे कार से आते हैं. दे कम बाय रिक्शा, और कुछ रिक्शे से आते हैं. दे कम बाय साइकिल, दे कम ऑन फुट लाइक मी. कुछ बच्चे साइकिल से भी आते हैं और कुछ मेरी तरह पैदल चल के आते हैं. वी रीच द गेट, हम गेट पे पहुंच गए. मदर लेट्स गो ऑफ माई हैंड, अब स्कूल पहुंचते मम्मी ने मेरा हाथ छोड़ दिया. She stays at the gate. वो गेट पे खड़ी हैं. I have to go inside alone. अब अंदर स्कूल में मुझे अकेला ही जाना है. There are many new faces all around me. मेरे आसपास कितने सारे नए नए चेहरे हैं, मैं किसी को भी नहीं जानती. I take one step. मैंने एक पैर अंदर बढ़ाया, एक कदम आगे बढ़ाया. I take another step. फिर मैंने दूसरा कदम आगे बढ़ाया. I look back. फिर मैंने पीछे घूम के देखा. Mother gets smaller as I walk away. जितना मैं मम्मी से दूर जा रही थी उतना मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा था, वो छोटी होती जा रही थी. जब हम किसी चीज से दूर जाते हैं तो क्या होता है, वो चीज हमें और दूर दिखाई देती है और छोटी दिखाई देती है. Will she disappear? क्या थोड़ी देर में मम्मी गायब हो जाएंगी वहां से. I run back to her. मैं भाग के मम्मी के पास वापस चली गई. I don't feel so grown up. अब मुझे इतना भी बड़ा नहीं लग रहा. पहले तो जब मैं रास्ते में जा रही थी मुझे लग रहा था मैं बड़ी हो गई, मम्मी मेरा हाथ छोड़ो. अब स्कूल में अंदर अकेला जाना है मुझे, तो मुझे लग रहा है मैं अभी भी बहुत छोटी हूँ. I hold her hand. मैंने मम्मी का हाथ जोरों से पकड़ लिया. Do not go away, I say. और मैंने मम्मी से बोला कि please मम्मी मेरे पास से मत जाओ. Everyone is inside now and I am the only one outside. सारे बच्चे स्कूल में जा चुके हैं लेकिन सिर्फ मैं ऐसी इकलौती लड़की हूँ जो बाहर खड़ी हूँ अभी भी. The teacher comes out. अब टीचर बाहर आती हैं. She smiles at me and I smile back. टीचर ने मेरे को देखा, उन्होंने मेरी तरफ स्माइल किया, मैंने भी रिटर्न में उन्हें स्माइल किया. Mother says, Rani, I will be here when you come out. तो मम्मी ने क्या बोला कि रानी मैं यहाँ पे वापस आऊंगी जब तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, जब तुम बाहर आओगी, तो मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी, मैं यहीं पे तुम्हारा वेट करूंगी. I let go of her hand. मैंने अपनी मम्मी का हाथ छोड़ दिया. She waves to me. उन्होंने मुझे बाय बाय किया. I run inside. मैं अंदर चली गई स्कूल के. Mother will be there after school. और मम्मी
स्कूल की छुट्टी होने के बाद मेरा वही वेट करेंगी. एंड चिल्ड्रेन, डू यू नो हु इज द राइटर? द राइटर इज चेरिल राव. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी. लेट्स गो क्या है? टू एक्सप्रेस अ विश टू गो, कहीं जाने की विश. टाइट क्लोजली एंड स्ट्रांगली, बहुत ही टाइटली. रीच टू गेट टू अ प्लेस, किसी जगह पहुंचना. डिसअपियर गो मिसिंग, कहीं से गायब हो जाना. वेव मूव हैंड फ्रॉम साइड टू साइड इन द एयर, एयर में हाथ को मूव करना. अनदर मीन्स अदर. एंड ग्रोन अप मीन्स बिकम एल्डर, बड़े हो जाना. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. ए पार्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो इट वॉज रानीज डैश डे एट स्कूल. रानी का कौन सा दिन था स्कूल में? लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. सो इट वॉज रानीज फर्स्ट डे एट स्कूल, वो पहले दिन स्कूल आई थी. सेकेंड, हु वॉज होल्डिंग द हैंड वेरी टाइट, किसने रानी का हाथ बहुत तेजी से पकड़ा था? मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर. सो द करेक्ट आंसर इज मदर. रानी वेंट टू स्कूल बाय, रानी स्कूल कैसे गई? वॉकिंग, साइकिलिंग, रिक्शा और बस. तो वो गई बाय वॉकिंग. हु कम्स आउट, कौन बाहर आता है? मदर, टीचर, स्टूडेंट और प्रिंसिपल. सो यस, रानी को लेने टीचर बाहर आती हैं. Now let's move on to fill in the blanks using help box. So help box use करके हम fill in the blanks fill करेंगे, ठीक है? So here the first one is it was the dash day of school. So it was the first day of school. Let's write here first. Mother holds the hand very. मम्मी ने हाथ को कैसे पकड़ा था? Very tight. So let's write here tight. Now the third one is there are many new dash all around. बहुत सारे क्या हैं? Faces. आसपास बहुत सारे नए नए चेहरे हैं. Everyone is dash now. सब लोग क्या हैं? सब लोग जो है inside means अंदर हैं. डैश विल बी देयर आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वहां पे कौन आने वाला है? मदर. सो मदर विल बी देयर आफ्टर स्कूल. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फादर इज होल्डिंग द हैंड, क्या पापा ने हाथ पकड़ा है रानी का? नो, दिस इज फॉल्स. There were few children, क्या थोड़े से बच्चे थे? No, बहुत सारे बच्चे थे. This is again false. Rani goes to school by रिक्शा, क्या रानी रिक्शे से स्कूल गई थी? No, this is false. वो वॉक करके गई थी. Teacher smiled at Rani, टीचर ने रानी को देख के स्माइल किया. Yes, this is true. So these are the answers children, quickly mark them up. And with this the chapter is over. I'll be meeting you soon children with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.